हरियाणा के यमुनानगर में नियमों को ताक पर रखकर उपहार सिनेमा जैसी मौत की बिल्डिंग तैयार हो रही है। बिल्डिंग के आगे और पीछे पर्याप्त जगह नहीं छोड़ी है। बताया जा रहा है कि मॉडल टाउन जैसे पॉश और रिहायशी इलाकों में तैयारी की जा रही है। इस कॉमर्शियल बिल्डिंग में बड़ा रेस्टोरेंट बनाए जाने का प्रस्ताव है। प्रसिद्ध समाज सेवी उमेश उप्पल ने बताया कि 1960 में उनके पिताजी ने यह जमीन खरीदी थी। जिस स्थान पर यह अवैध बिल्डिंग बन रही है वहाँ कभी उनके पिताजी के सहकर्मी भाटिया रहा करते थे। यह जमीन भाटिया जी से विशाल नामक शख्स ने खरीद ली और यहाँ अवैध रूप से 4 मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, जो कानून के मुताबिक संभव नहीं है। भवन निर्माण के नियम कायदों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भवन के आगे पीछे जगह नहीं छोड़ी गई है, इनके पास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ लगते घर के ऊपर इन्होंने अपनी दीवार चढ़ा दी है। इन लोगों के पास प्रदूषण विभाग से कोई भी NOC नहीं है। नरेश उप्पल ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाज सेवी नरेश उप्पल ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर शहर के पॉश और रिहायशी इलाके का भी व्यवसायीकरण होता रहेगा तो यहाँ के लोग कहाँ रहेंगे। सिस्टम ब्लॉक कर देगा। तू देखो आगे तक बिल्डिंग में आती है, जिस तक सड़क आती है, तो इस तरह की बनेगा। पेड़ थी ना, देखो ऐसी नहीं था आज। मामला ये है, इन्होंने अपना कमर्शियल नक्शा तो पास कराया है जुलाई 2022 में, लेकिन नक्शे के अनुसार कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसने ग्राउंड फ्लोर पे फ्रंट और रियर सेटबैक ओपन छोड़ना था, लेकिन जो इन्होंने रियर सेटबैक बिल्कुल भी ओपन नहीं छोड़ा है। इसी तरह इसने 2.5 मंजिल बनानी थी, लेकिन इसने 4.25 मंजिल के करीब बना दिया। अब इस पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करने का केस चलेगा, इसको देखेंगे, सील भी करेंगे। उसने जिस नॉर्म से नक्शा पास कराया था, जो इसने पालन करना था, वो पालन नहीं किया है। तो सर ऐसे सिर्फ एक भी नक्शा पास कराया था, लेकिन जब हमारी जांच बढ़ती है, जब कमर्शियल उसका OC आता है, अभी OC अप्लाई नहीं हो सकता है क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीशन के दौरान, बिल्डिंग बनने के दौरान हो सकता है वो अपनी चेंजिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन ये है कि इसने जो रियर सेटबैक किया है वो गलत है, उसको कवर कोई भी नहीं कर सकता है। सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं है सर, मॉल टाउन पूरा इसी तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन पे चल रहा है यहाँ। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जो मेरे पास इंक्वायरी आई मैं उसके बारे में। इसके ऊपर क्या एक्शन बनता है? इसके ऊपर सेक्शन 261 के तहत एक्शन बनता है। इसमें बिल्डिंग का डेमोलिशन भी हो सकता है या बिल्डिंग सील भी हो सकती है 263A के तहत। ये बिल्डिंग बिल्कुल अवैध बन रही है। देखो ये मालटोन बसा था 1960 में, तो हमने ये घर लिया था। घर क्या, प्लॉट ही थे खाली, रेजिडेंशियल एरिया के लिए बना था। सामने वाले क्वार्टर्स भी सरकार ने बना के दिए थे और ये लोगों ने अपने आप बनाए थे। हमने ये सारी जगह खरीदी थी, उसमें हमने जो है सिर्फ 8 फुट का रास्ता छोड़ा था, और 8-10 फुट का रास्ता सिर्फ क्योंकि सारा एक ही परिवार था हमारा, और उन्होंने रास्ता, उसके बाद फिर हमारे मेरे पिताजी के साथ कुलीग थे भाटिया जी ने ये जगह खरीदी और उन्होंने मकान बनाया। अभी हाल ही में 2-3 साल हुए हैं इन्होंने उनसे मकान खरीद लिया था रेजिडेंशियल। अब इन्होंने कैसे कमेटी में मिली भगत करके इसको कमर्शियल बना दिया। और सबसे बड़ी बात है, हमारी बिटिया की शादी थी, हम थोड़ा व्यस्त रहे और इन्होंने पीछे से देखो बिल्डिंगें और बिल्डिंगें ऊपर 4 मंजिली बिल्डिंगें बना दी। कैसे बनाई, बिल्कुल अवैध है ये ना, उसमें बायलॉज के हिसाब से इनको आगे भी जगह छोड़नी होती है, पीछे भी जगह छोड़नी होती है। इन्होंने पीछे जगह क्या छोड़नी थी, पड़ोसी की पीछे वाले के मकान के ऊपर ही अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, जो आपके कैमरे में स्पष्ट नज़र आती है। और साइड में भी इनको जगह छोड़नी पड़ती है, इन्होंने साइड में शीशे लगाने का प्रोविजन बना दिया है। तो ये पार्किंग कहाँ पे देंगे, पार्किंग का कोई जिक्र नहीं है, सारे के सारे प्लॉट पे ही इन्होंने पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है। और बिना पार्किंग के, अगर लॉ ये कहता है कि पार्किंग के बिना कोई बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, आगे छोड़ो पीछे छोड़ो, ये बेसिक 3 पॉइंट हैं। मेरे को समझ नहीं आती कि नगर निगम के अधिकारियों ने क्या देखा ही नहीं। और इन्होंने सीवरेज जोड़ा है, देखो आपके सामने आया, देखो सीवरेज का क्या हचर है, सामने पानी अभी तो जोड़ा है इन्होंने, जब कुछ भी नहीं है। अगर मान लो कल को ये बन जाएगा तो सारा मालटोन ये चौक हो जाएगा,
और ये इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा बिल्कुल। आखिरकार ये माल्टाउन लोगों के लिए रहने के लिए बसा था, अगर नहीं अगर लोगों को रहने नहीं देना, बिल्डिंगें बनानी है तो लोगों को जहर दे दो जो यहाँ रहते हैं, अब हम लोग कहाँ जाएं छोड़ के। ये सबसे बड़ी समस्या है, ये रहने के लिए है ना कि कमर्शियल एक्टिविटी। भाई साहब की ये बहुत बड़ी एक समस्या है क्योंकि ये यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, शुरू से इन्होंने अपने घर बनाए हुए। क्या अगर वो कोई इस तरह से बिल्डिंग बना देते हैं जहाँ पे कमर्शलाइज एक्टिविटी हो रही है और कोई भी बच्चे यहाँ पर आकर लड़के लड़कियाँ यहाँ पर बैठते हैं और इधर से हमारे उपल साहब यहाँ पे अपने घर में अपना बैठना चाहते हैं, अपनी बीवी अपने बच्चों अपनी बहू के साथ बैठना चाहते हैं, क्या वो सुरक्षित बैठ सकते हैं? और क्या वो अपने घर में जो आनंद लेना चाहते हैं, जिसके लिए हमने घर बनाया है, वो चाय पीनी है, हमने घर में बैठ के खाना खाना है, क्या वो बाहर बैठ के खा सकते हैं? ये घर के एक प्राइवेसी को ख़त्म करने का वो होता है, इसलिए उनकी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। ये रेजिडेंशियल एरिया है मॉडल टाउन जी, कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, आप इसके पार्षद है तो क्या मतलब जी? ये बिल्कुल 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 गलत है। हम तो शुरू से ही मैंने ये जनता के आगे आवाज़ उठाई है, परंतु हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, यहीं पर यही अधिकारी जो हैं वो अपने आप ही अपना उसमें वो कराते हैं। ये जितनी सीलिंग भी हुई हैं ये भी उस प्रभाव के कारण ही हुई थी ना जी, अब नहीं हो रही है, क्या करें हम, बन रही है सब। पीछे पे मौजूदा पार्षद थे जी, जिस दिन नींव रखी, जब आप मौजूदा पार्षद आए और जब नींव रखी गई उस समय आप कहाँ थे जी? ऐसा है, नींव हमें कोई नींव पे बुलाया, हम क्यों नींव पे जाएंगे किसी के वहाँ पे जाएंगे, या हमें ये काम अधिकारियों का है देखने का, ये अधिकारियों ने उसको देखा ही नहीं है। और इसकी एक बायलॉज है कि इसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इन्होंने, और ये तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी इशू कर देंगे ये तो। बिल्डिंग बनने के बाद आपकी जानकारी में कब आया? ये मुझे भाई साहब ने कल परसों बुलाया था, मुझे तभी बताया, मैंने इनके साथ बिल्कुल बिल्कुल जैसे ही इन्होंने बताया मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मॉडल टाउन में कितने की बिल्डिंग है इस तरह की इलीगल बनी हुई है? ये तो सारी अगर हम देखें तो एक भी बिल्डिंग का नक्शा नहीं पास है, पुरानी बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं तो भी नक्शा कोई पास है? तो नक्शा तो नॉर्म्स ये कहते हैं कि ये रिहायशी इलाका है, ये जो हम जो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से, उनको वहाँ पे उनकी ज़मीनें पाकिस्तान से उनको ली गई थी और यहाँ पर ये जगह अलॉट की गई थी किसी को 500 गज, उसके अकॉर्डिंग थे कि कितने उन्होंने, ये सारा एरिया जो है वो अटक सोसाइटी ने काटा था। अटक सोसाइटी शायद लोग आधे लोगों को तो यही नहीं पता अटक सोसाइटी थी क्या, ये इतने बड़े बड़े पार्क, इतने बड़े बड़े लॉन, इतने बड़े बड़े ग्राउंड, अटक सोसाइटी उस टाइम पागल नहीं थी, जगह उनकी भी बिक सकती थी उस टाइम। आज जो हम लोग वो उन्होंने शादी ब्याह के लिए, उस टाइम पैलेस नहीं होते थे, उस टाइम शादी ब्याह के लिए ये जगह छोड़ी थी, मल्ले गली मल्लों में ये छोटे छोटे स्थान दिए गए थे जिसको आज कब्जा कर दिया गया। तो इसके पीछे क्या कारण, क्या मानते हैं लोगों ने बिल्डिंग बस नए नए अधिकारी आते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कि ये अधिकारियों को भी नहीं पता, अगर हम इनको आधे अधिकारियों को अच्छे से देते रिहैबिलिटेशन का पता ही नहीं है, मीनिंग क्या था रिहैबिलिटेशन, क्योंकि उनका तो जन्म भी शायद उनके पिताजी का जन्म उस टाइम हुआ हो। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है मॉडल टाउन, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।